मॉर्निंग पिछले जो में हम लोगों ने शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ा, उसके कोयला पेट्रोलियम कौन कौन से शक्ति संसाधन होते हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने, उसके बारे में समझा, उसके बारे में जाना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शक्ति संसाधन क्या होते हैं। इसमें शक्ति संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं दो प्रकार के बताए गए, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक पारंपरिक मतलब होता है जो शुरू से चला आ रहा है, यानी जो शुरू से शुरुआत से चला रहा है उसे हम पारंपरिक शक्ति के संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये शुरू से चले आ रहे हैं इसलिए हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं। गैर पारंपरिक हो गया जो जिसका विकास बाद में हुआ, तकनीक के आधार पर जिसका विकास बाद में हुआ और जो नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिनका फिर से चक्र हो सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो गैर पारंपरिक, जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, ये हमारे हो गए गैर पारंपरिक स्रोत। और पारंपरिक स्रोत जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो समाप्त होने वाले संसाधन है, जो क्षयशील संसाधन है, जैसे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये हमारे पारंपरिक शक्ति के संसाधन हो गए। तो हम दो भाग में बांट सकते हैं इसको। अगला टॉपिक है आप लोगों का जल विद्युत। जल विद्युत का उपयोग आजकल सबसे अधिक हो रहा है, जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा किसी फिल्म में या कहीं भी ऐसे टीवी न्यूज वगैरह में, बड़ा बड़ा बांध बनाकर डैम बनाकर नदियों पे, और वो नदी का पानी नीचे गिराया जाता है, उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े डैम बनाकर और उसमें से पानी गिराया जाता है और वो पानी नीचे टरबाइन लगाता है, उसके पंखी लगता है, टरबाइन इंजन का नाम है, टरबाइन के पंखी पर वो जाके फोर्स से गिरता है पानी और टरबाइन का पंखी नाचता है, तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। देश में सबसे पहला बिजली का संयंत्र आपको 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। 1897 में दार्जिलिंग में आपको लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते चला गया और जल विद्युत का हमारे पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रसार है। उसके लिए कुछ प्राकृतिक वातावरण चाहिए जिससे जल विद्युत हो। सबसे पहली वैसी नदी चाहिए जिसमें हमेशा जल बहता रहे और नदी का मार्ग ढलान की तरफ हो, यानी ऊपर से नदी नीचे की तरफ जा रही हो, जिससे पानी के फोर्स से गिरे और वहीं पे बांध बनाकर पानी इकट्ठा करके अचानक छोड़ा जाता है और टरबाइन का पंखी नाचता है, तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े डैम बनाकर, बड़े बड़े बांध बनाकर इस परियोजना को सफल बनाया जा रहा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को भारत का मंदिर कहा गया, उन्होंने इस भारत को मंदिर कहा है। तो वो हमारे एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। बहुउद्देशीय यानी बहु मतलब बहुत उद्देश्य। तो यानी जिस उद्देश्य से कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो, जिस काम से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे हम बहुउद्देश्यीय परियोजना करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जो भी नदी घाटी परियोजना है, हम इनको नदी घाटी परियोजना भी करते हैं। डैम बनाकर और पानी उसका रोक के नीचे गिरा जाता है, इसको हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं, इसको बहुउद्देश्यीय परियोजना कहा जाता है। क्योंकि इसके एक डैम बनाने से, एक बांध बनाने से नदियों पर कई प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, जैसे बिजली के लिए उत्पादन, सिंचाई के लिए पानी, बाढ़ से बचाव, मछली उत्पादन के लिए हमेशा पानी, पर्यटन उद्योग के लिए बड़े बड़े डैम होते हैं, वो आपको उस पर डैम में लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पर्यटन उद्योग को हमको बढ़ावा मिलता है। इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति एक बांध बनाने से हो जाती है।
इसीलिए इसे बहुद्देशीय परियोजना कहते हैं, इसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजना है, लगभग 18 नदी घाटी बहुद्देशीय परियोजनाएं काम कर रही है। सबसे बड़ी परियोजना हमारे यहाँ भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर हिमालयी क्षेत्र में भाखड़ा नांगल परियोजना है, वो हमारी सबसे बड़ी परियोजना है। उसी तरह कर्नाटक में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा परियोजना, वो सबसे बड़ी परियोजना है। हमारे यहाँ बिहार में कोसी नदी का बाढ़ हम जानते हैं हमेशा आता है, तो उसमें हनुमान नगर एक जगह है आप लोगों को नेपाल में, तो नेपाल में हनुमान नगर जिले में हनुमान नगर जगह पे डैम बनाकर कोसी नदी के पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है और बाढ़ से बचाव होता है, सिंचाई के लिए हमेशा पानी रहता है, मछली उत्पादन के लिए पानी हमेशा मिलता है हम लोगों को। तो ये सारे कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और ये हीराकुंड परियोजना, ये आपको महानदी पर स्थित है उड़ीसा के, तो ये हीराकुंड परियोजना, ऐसी ऐसी परियोजना 18 परियोजनाएं हमारे पूरे भारत में चल रही है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपको 225 मीटर ऊंची है, बहुत लंबी परियोजना है, ये लगभग 964 या 34 मीटर दूरी लंबाई है इस परियोजना की। उतना बड़ा डैम है, बांध है, लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं और नदी का पानी उसके गिरता है और वहां बिजली का उत्पादन किया जाता है और आपको कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति है प्राप्त होती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो जल विद्युत का हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा आजकल उपयोग हो रहा है, भारत सरकार ने इसके लिए और भी अच्छे कदम उठाए हैं जिससे आने वाले भविष्य में जल विद्युत को और बढ़ावा मिल सके। अगला है ताप विद्युत। ताप विद्युत, ताप मतलब जब बिजली किसी भट्टी में गर्म करके ही उत्पादन की जाती है तो उसे हम ताप विद्युत कहते हैं। जैसे कोयला, हमारे भारत में सबसे अधिक कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता था, तो कोयला बड़े बड़े भट्टी में कोयला डालकर उसको जलाया जाता था, जानते हैं कोयला जलेगा तो तुरंत ताप होगा, उस ताप से विद्युत उत्पादन होता है तो उसे हम ताप विद्युत कहते हैं। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। तो जो देश में परमाणुक तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाता है उसे हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। उसमें यूरेनियम नामक खनिज का उपयोग करता है और यूरेनियम से आप लोगों को बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी यूरेनियम को भट्टी में डालकर वैज्ञानिक तरीके से उसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है और उस बिजली का उत्पादन हम लोग उस बिजली का उपयोग हम अपने घर में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में या हर चीज में बिजली का उत्पादन करते हैं। अब आ गया ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक मतलब ये सारे आप लोग जो थे वो पारंपरिक थे, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, बिजली हो गया, जल विद्युत हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब हो गया ऊर्जा के गैर पारंपरिक, जिसको बाद में आप लोगों को विकसित किया गया, बाद में इसको विकसित किया गया तकनीकी आधार पर, जिसमें आप लोगों का होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद तरंगीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये हो गया आप लोगों को। इसमें गैर पारंपरिक स्रोत में बहुत सारे हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे आप लोगों को गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। पवन ऊर्जा, इनका विकास सबसे अधिक आप लोगों को राजस्थान क्षेत्रों में होता है। मैंने बताया था बड़े बड़े पंखी लगाकर, आप लोगों देखा होगा टीवी वगैरह में बड़े बड़े पंखी लगा के, बहुत सारा खम्भे में पंखी लगाता है, 3 पंखी उसमें करता है और वो धीरे 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 नाचता रहता है और उससे टरबाइन का मशीन चलता रहता है और बिजली उत्पादन किया जाता है, वो पवन ऊर्जा। राजस्थान में इसकी असली संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरण से आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े प्लेट, लोग सोलर प्लेट रखते हैं छत पे और सौर ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, उसे फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं।
जब ध्यान सुनिएगा, जब सूर्य की किरणें फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो जो छत पे रखते हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब जाके सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद तरंग ऊर्जा, यानी जो समुद्रों में चक्रवात या तरंग आता है, लहरें उठती है, उससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन आने वाले समय में हम तकनीक के आधार पर उसको और बढ़ावा दे सकते हैं। उसे हम तरंग भूतापी है, जो भूमि के अंदर गर्मी होती है और उससे मैग्मा निकलता है, और उस मैग्मा में बहुत ज्यादा ताप होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी से उस ताप से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये आप लोगों को पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आप लोगों को गैर ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। अब आ गया संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, शक्ति संसाधनों का संरक्षण, शक्ति संसाधनों का संरक्षण। तो संरक्षण हम शुरू से समझते आ रहे हैं, संरक्षण क्या कहलाता है। संरक्षण का अर्थ है किसी भी संसाधन का सही उपयोग, सुनियोजित तरीका से उपयोग, उसे हम संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पारंपरिक स्रोत है, जो क्षयशील संसाधन पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका सही सही उपयोग होना चाहिए। नहीं सही होगा तो आने वाले समय के लिए वो लगभग समाप्त हो जाएंगे, तो आने वाले विकास के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो संसाधन की कमी हो जाएगी, और बिजली का उत्पादन कहीं ना कहीं विद्युत का उत्पादन या ऊर्जा जिस तरह का विकास उस पेट्रोलियम से होता है वो रुक जाएगा। तो इसका संरक्षण हमें बहुत ही आवश्यक, संरक्षण कैसे करेंगे तो इसका सही उपयोग करके, विवेकपूर्ण उपयोग के। जैसे पेट्रोलियम है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कहीं खड़ी हो गई, रेलवे ढाला पे बंद रखा कर वहां पर गाड़ी रुकी है, जाम में फंसे हुए हैं, तो वहां बाइक बंद कर देंगे, तेल बचेगा। घर में है बिजली, फैन चल रहा है, वहां कोई नहीं है, ऐसे बर्बाद हो रहा है, फैन चल रहा है तो उसको बंद कर देंगे। जिस लाइट का काम नहीं है, जिस बल्ब का काम नहीं है, उस बल्ब को बंद कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं बिजली की बचत होगी और उससे हम आगे के भविष्य के लोगों के लिए खोज पाएंगे। उसके बाद नए विकल्प का खोज, यानी नए संसाधनों का खोज, जिससे कि इन संसाधनों पर कुछ बोझ कम हो सके। तो नए संसाधनों का खोज होगा तो इन संसाधनों पर बोझ कम होगा, तो हम उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण सही तरीका से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में आप लोग का ये टॉपिक, ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अगले चैप्टर आप लोगों का कृषि है, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग वीडियो देखते उसको नोट्स पर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोग कृषि, जो अगला आप लोगों का चैप्टर है कृषि को बढ़िया से पढ़ के आइएगा। अगला चैप्टर कृषि है, कृषि को बढ़िया से पढ़ के आइएगा और कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, मैं आप लोग समझाऊंगा, आप लोग पढ़े रहिएगा, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, तो अपने नोटबुक में चार का सारा लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे वैसे कल मैं आप लोग, कल की वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दिन लघु उत्तर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोग उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।